सीबीएसई का एक नया अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने क्लास 9th और 11th के छात्रों को खुशखबरी दी है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा, फाउंडर ऑफ वीएस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सीबीएसई की तरफ से एक नया अपडेट आया है जो कि क्लास 9th और 11th को लेकर है। उसमें सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि जो भी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको फेल ना किया जाए। मतलब ये अपडेट कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके लिए उन्होंने स्कूल बेस्ड पेपर ऑर्गेनाइज करे हैं, जिस पेपर को देकर वो अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। सीबीएसई को ये डिसीजन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते लेना पड़ा, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो भी बच्चे क्लास 9th और 11th में फेल हो गए हैं, वो अब निराश ना हो। आप अपने स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें और आप डेफिनेटली ही प्रमोट कर दिए जाएंगे। बच्चों की कुछ क्वेरीज होती हैं इसमें कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो क्या हम भी इन पेपरों को दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सीबीएसई ने साफ साफ अनाउंस किया है कि अगर कोई बच्चा पांचों सब्जेक्ट में भी फेल होता है तो उसको पांचों पेपर देने की अनुमति है, जिससे वो प्रमोट हो सके। जो स्कूल बेस्ड पेपर है, उसका जो सिलेबस है, उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और सबसे ज्यादा जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो एग्जामिनेशन हैं, उनको डन करें और आप डेफिनेटली उस एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। बच्चों के लिए एक परेशानी ये भी है कि उन्हें स्कूल से रिजल्ट मिल चुके हैं जिसमें उन्हें फेल घोषित कर दिया गया है, तो क्या वो भी इस एग्जाम्स को दे सकते हैं? जी हाँ, सीबीएसई का ये अपडेट है। जिन बच्चों को स्कूल से रिजल्ट्स मिले थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उनको दोबारा स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने दिया जाएगा, जिससे वो एग्जाम देकर अगली क्लास के लिए प्रमोट हो जाए। यह सीबीएसई की सबसे अच्छी अपडेट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।